शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय रोहित। हाय। रोहित, मुझे मॉडलिंग का एक नया ऑफर मिला है। 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। पांच लाख? ग्रेट। वो रोशन है ना? उसका एक दोस्त है जिसने मेरे पहले असाइनमेंट की फोटोग्राफ देखी, वो इतना इंप्रेस हो गया कि उसने मुझे 5 लाख रुपए ऑफर कर दिए। कांग्रेस, ऐड किस चीज का है? वो नाइटवेयर का ऐड है। नाइटवेयर की ऐड करोगे? रोहित, इंटरनेशनल ब्रांड है, पहली बार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रहा है, पर प्रोडक्ट तो नाइटवेयर है ना? खुशी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की ऐड करनी चाहिए। आखिर क्यों रोहित, मुझे इस तरह की ऐड क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब बड़े बड़े स्टार्स ने, बड़ी बड़ी मॉडल्स ने नाइटी पहनकर मॉडलिंग किया, तो फिर मैं क्यों नहीं? करते होंगे, की होगी। वो लोग और हैं, हम लोग और हैं। हम लोगों में ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं की जाती। तुम ऐसी ओल्ड फैशन बातें क्यों कर रहे हो? देखो खुशी, ये ओल्ड फैशन होने का सवाल नहीं। तुम मॉडलिंग करना चाहती थी, मैंने तुम्हें इनकरेज किया। मॉम डैड को मैंने तुम्हारे लिए कन्विंस किया। मॉम भी तुम्हारी मॉडलिंग वाली बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। उन्होंने तुम्हें मना किया? नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए उन्होंने तुम्हें मना नहीं किया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखो। लिसन, देखो खुशी, मैं ये नहीं कहता कि तुम मॉडलिंग ना करो, पर ये नाइटी वगैरह ना। रोहित, 5 लाख? 5 लाख है तो क्या हो गया? मेरे लिए कोई भी चीज इस घर की इज्जत से ज्यादा बढ़कर नहीं है। इस घर की मान मर्यादा, इसके असूल, इसके क्रेडोस का पालन करना तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है। तुम यार नहीं करोगी? क्या देख लिया? सेठानी जी, आपके ससुर जी की हमसे का दुश्मनी है? जब देखो घर का सारा काम हम ही कराते रहते हैं। हम तो भैया थक जाते हैं। हम देख रहे हैं, जब से इस घर में आए हैं सबको परेशान किए हुए हैं, सिवाय उस परी के। हमारे तो भैया जान के दुश्मन बन चुके हैं, मीनिंग एनिमी ऑफ माय लाइफ। वो परी जब देखो दादाजी दादाजी करती रहती है, और दादाजी जब देखो मेरी बहू ये भी कहते हुए नहीं थकते। इस घर में थकता है कोई अगर तो वो है हम। हमारी थकावट का तो पूछे ही मत। हम तो भैया मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करके आए कि जल्दी 40 दिन पूरे हो और ये परी परलोक से धार जाए और ये थानेदार दादाजी भी यहाँ से चले जाए। भाई हाँ चमिले, चिंता मत कर, 40 दिन पूरे होने में भी दिन ही कितने बाकी है, सिर्फ दो। दो ही दिन? दो ही दिन मतलब जानती हैं आप? और
घंटे यहाँ एक एक सेकेंड एक एक युग की तरह बीत रहा है। सेठानी जी, जल्दी से गुरु जी की भविष्यवाणी सच हो, ये परी ऊपर चली जाए और हम सब लोगों को मुक्ति मिले। इसकी सांसें रुकेंगी तो हम सबकी सांस में सांस आ जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता। वो गुरुजी ने कहा था कि 40 दिन में परी हमें, हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। वो ये राज हमने इसलिए छुपा के रखा क्योंकि परी ने हमसे कहा था, उसी ने सौम्य से शादी करने की जिद की बाबूजी। हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ नहीं पता बाबूजी। सच हमने कुछ किया ही नहीं। बड़े मालिक, चाय बनाओ आपके लिए। चाय बनाओ आपके लिए। क्या चाय पियोगे आप? हाँ, चाय ले। बहू, तुम कुछ कह रही थी ना? आप चमेली से नाराज है ना, तो मैं उसे यही समझा रही थी कि इतनी ज्यादा कामचोरी अच्छी बात नहीं है। अरे बहू, मैं तो जब से आया हूँ तब से कह रहा हूँ, तू नहीं इसे सिर पे चढ़ा रखा है। इसे तो आदत होगी ये काम ना करने की। मैं तो कहता हूँ इसे पूरे घर की सफाई दे दे, ऊपर नीचे सारा दिन सफाई करेगी तो कुछ हड्डियां चलेंगी इसकी, वरना तो इसकी हड्डियों में जंग लग जाएगा। करते हड्डियां बचेंगी तब तो जंग लगेगा कि ऐसे ही लग जाएगा। कितनी बकवास करती है तू चमेली, जरा अपनी जबान को लगाम दे। अगर बाऊजी ने आज सब कुछ सुन लिया था ना, तो परी को तो जब मरना है तब वो मरेगी, लेकिन हम सबका राम नाम सत्य अभी इसी वक्त हो जाता। तो हम कौन सी कहानी बना बना के बोल रहे हैं? जो दिल पे बीत रही वही बोल रहे हैं। अब कहे किससे कहे हम जाके दिल की बात। चुप, बंद रख अपना। हमें सब कुछ बहुत सोच समझ के करना होगा, सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आखिरी 2 दिन। परी बेटा, अब जाइए, मैं निकालूंगा।
जी दादाजी। बेटा मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो नाश्ते में तुम्हारे हाथ का बना हुआ हलवा हो जाए। जरूर, बेसन वाला ना। अंधा क्या मांगे दो आंखें। हाँ बेटा, मैं अभी बना के लाती हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, वो जरा मैं मेल चेक कर रहा था। वैसे मेल चेक करने के लिए लैपटॉप का ऑन होना जरूरी होता है। मेरे पति हैं, आपका पूरा हक बनता है मुझे ये कहने का कि मैं आपके लिए कपड़े निकाल के दूं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसा सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आपका हक है भाई, तैयार हो जाइए। जब मुझे दादू, खुशी, रोहित सबसे मिलने के लिए ले जाएंगे? लेके जाऊंगा, लेकिन अब सबसे आज ही क्यों मिलना चाहती है? मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है ना, इसलिए आप तैयार हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। हलवा तो तैयार हो गया, पहले नाश्ता लेके चलते फिर हलवा ले जाएंगे। ये आप ले जाइए।
दादाजी की परी बहुत अच्छा हलवा बनाती है ना, तो चलो आज दादाजी और बहू दोनों के हलवे का मजा खराब करते हैं। दादाजी रोज काम करवा करवा के हमारी हालत खराब करते हैं ना। वाह चमेली, वाह नाम चमेली और दिमाग लोमड़ी का, वेरी वेरी गुड। खाइए और बताइए कैसा बनाए। थैंक यू बेटा, महक तो बहुत अच्छी है। चलो भाई शुरू करो। कैसे है दादाजी? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा। बेटा जिंदगी में पहली बार नमकीन हलवा खाया। नमकीन हलवा? दादाजी मैंने तो हलवे में नमक नहीं डाला। जानता हूँ बेटा, हलवे में नमक डालने की गलती तुम कभी नहीं कर सकती बेटा। ये गलती किसी गलत शख्स की गलत सोच का नतीजा है। रघु जी, सब नौकरों को बुलाओ। कम छोटी चलो, तुम भी उधर आओ। देखो तुम में से जिसने भी गलत काम किया है वो मुझे अभी बता दे, मैं एक बार उसे माफ करने के बारे में सोचूंगा। और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है। भी ज्यादा नफरत है उससे जो झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए और उसे छुपाने के लिए हजार झूठ और बोले। समझ गए तुम लोग? तू बोल। मालिक मैं तो बाजार गया था। मालिक मैं बगीचे में था। मालिक मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है सुनती हूँ, जाओ। हम भी जाए दादाजी। कमछोटी, हमको कुछ नहीं मालूम है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें इस बारे में पता ही नहीं। बाय गॉड की कसम हम नहीं जानते। मैंने कब कहा? मैंने कुछ कहा तुझे? रघु जी जाओ इसका सामान उठा लो। ऐसा करो इस कमछोटी को सामान समेत स्टेशन पर ले जाओ, टिकट इसके हाथ में रखो, गाड़ी में बिठाओ और जब गाड़ी दूर चली जाए तब घर वापस आना। क्यों दादाजी? हमने क्या किया? वो किचन में हम शक्कर मिला रहे थे, कुछ नहीं मालूम नमक का डिब्बा कहाँ से हमारे हाथ में आ गया।
कट पा गया था सॉरी दादाजी अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे तू रो क्यों रही है? ऐसे थोड़ी भेजेंगे तुझे, तुझे बहुत प्यार से भेजेंगे। हमसे गलती हुई गई सारी। तुझे प्यार से बड़ी इज्जत से तेरा फेयरवेल देंगे तुझे। इधर आजा, इधर आजा, आजा आजा आजा, तेरा फेयरवेल करके तुझे अच्छी तरह समझ क्या, तेरा फेयरवेल करके हम यहाँ से भेजेंगे। रघु जी जी, वो जरा हल वाला ना मीठे वाला अभी ले। सॉरी सॉरी दादाजी। कहाँ की सॉरी, तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए दादाजी। हल वाला ये सारा हलवा तू खाएगी। शुरू कर। हम मत कर, शुरू कर। क्या समझती है तू अपने आप को? हद हो गई, तू अपनी औकात भूल गई। तूने परी के साथ ऐसा किया? क्यों? किसकी शायद तुझे? हैं? दादाजी, इसे माफ कर दीजिए ना। दादाजी, दादाजी इसे माफ कर दीजिए ना, इसे माफ कर दीजिए। बात कर रही है बेटा तू? तू इसे माफ करने की बात कर रही है? दादाजी, मैं जुबान देती हूँ, चमेली जी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज दादाजी। देखा तुम, परी ने तुझे चमेली नहीं कहा, चमेली जी कहा है। ये है इसके अच्छे संस्कार। अरे तू है ठीक है परी बेटा, मैं तेरे कहने से इसे माफ करता हूं। चल दफा जा, शक्ल मत दिखाई मुझे, यहां से निकल जा, यहां से कमाल लेके अंदर जा। दादाजी परी और मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेटा जाओ ना, बेटा जाओ। चले बड़ी